हेलो दोस्तों, सबको राम राम मेरी तरफ से। दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो मेरे बहुत कमेंट्स आए हैं, माताएं बहनों भाइयों ने जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, न्यू बिगिनर है जो अभी कार सीख रहे हैं यार, उनका ये कमेंट्स है कि सर हम लोग को जैसे गियर डालते समय फर्स्ट गियर डाला, रेस कितना देना है, जो मैनुअल कार का क्लच कंट्रोल का बड़ी दिक्कत है, गाड़ी बंद हो जाती है, या रेस देना है कि नहीं देना है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। क्यों बार बार हम लोग को रोड क्रॉसिंग में या ऐसे कहीं भी भीड़ भाड़ में कहीं समस्या आ रही बार बार, तो इसका कोई हल निकालो यार। मेरी बात सुनो, मैं इस वीडियो में पूरा प्रॉपर बढ़िया से तरीके से बताऊंगा, छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, ठीक है? बस वीडियो को स्किप नहीं करना, सुंदर से हाथ से एक सुंदर सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है? अभी देखो दोस्तों, अभी पहले मेरी बात समझ लेना कि रोड है हमारा एकदम बराबर, रोड है बिल्कुल बराबर, ना तो चढ़ाई है ना कुछ है, एकदम समतल है, जैसे ये दिखाई मेरा हाथ दे रहा है ऐसे बिल्कुल सीधा रोड है ना दोस्तों। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अभी मेरे भाई सोचे बोलेंगे कि यार अगर गियर डाल दिया तो रेस नहीं देंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे, रेस गियर तो हम लोगों ने फर्स्ट डाल दिया, अभी गाड़ी न्यूट्रल में है हमारी और मैं स्टार्ट गाड़ी खड़ी है, हम न्यूट्रल में गाड़ी है, कोई गियर नहीं पड़ा हुआ है, ये देखिए कोई गियर नहीं है, है ना। अभी मेरे कुछ माताएं भाई बहन बोल रहे हैं कि हम लोग गियर डालते हैं, रेस देते हैं तो कार बंद हो जाती है। मेरे भाई ये हम लोगों ने क्या किया, ये क्लच को कर लिया पूरा प्रेस, पूरा दबा लिया क्लच को पूरा दबा लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, ये लिया लेफ्ट को थोड़ा सा, ये लगा दिया फर्स्ट गियर लग गया दोस्तों। अभी हम लोगों ने फर्स्ट गियर लगा दिया। अभी मेरे भाई मैंने फिर यही बताया कि रोड बिल्कुल समतल है, कार की कंपनी ने कार के अंदर उतनी रेस बांध के रखी होती है कि आप बिना रेस दिए भी फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी चल सकती है, आपने कुछ नहीं करना। अभी मैंने ये पांव रखा है दोस्तों, यहां मैं हर वीडियो में बताता हूं कि यार आप पूरी वीडियो देख लिया करो, सभी वीडियो फिर आपको पता चलेगा। अभी फर्स्ट गियर में हमने गाड़ी डाली है, रेस क्यों देनी है जब समतल रोड है, बराबर रोड है, रेस बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि कार की कंपनी ने उतनी रेस बांध के रखी होती है कि आपकी कार फर्स्ट गियर में भी बिना रेस के भी दिए चल सकती है, ठीक है? अभी मैंने क्या किया, मेरे पांव को देखना, अभी मैंने क्या किया, हल्का 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 क्लच रिलीज किया, पांव मेरा कहाँ है और गाड़ी मेरी चलने लगी तो कहाँ हम लोग ने रेस दिया, देखो कितनी स्पीड पकड़ ली गाड़ी ने, है ना, और मेरा पांव कहाँ है, कहाँ रेस दी मैंने। अभी ये देखो कार चल रही है दोस्तों, कार चल रही है ना, तो यार मैंने कहां रेस दी। यही दिक्कत है सबसे बड़ी कि वो लोग अगर, हाँ रेस कब देनी है, जब आपकी कार थोड़ी हाइट पे है, कार जब हाइट पे है तब रेस का कॉम्बिनेशन बनाना है और क्लच का कॉम्बिनेशन दोनों को बराबर मात्रा में देना है। अगर समतल रोड पे खड़ी है गाड़ी, आपके बराबर रोड पे खड़ी है, तो क्यों रेस देनी भाई, मेरा पांव देखो कहां है, गाड़ी चल रही है फर्स्ट क्लास, ठीक है, गाड़ी चल रही है फर्स्ट क्लास, और हम लोगों ने कहां रेस दी भाई, रेस दी बिल्कुल नहीं, ये देखो मेरा पांव कहाँ है और गाड़ी चल रही है। आप जब भी कहीं भीड़ में खड़े हो, कोई रोड क्रॉस करना है या कुछ करना है, सिर्फ आपने क्लच का मूवमेंट को हल्का हल्का छोड़ना है, हल्का हल्का, देखो कैसे ये देखो क्लच है, यहां से यहां छोड़ते जाओ हल्का हल्का हल्का, आपकी कार रन करनी स्टार्ट कर देगी, कोई जरूरत नहीं जोर से झटका लगाने की, कार बंद होने की, भीड़ में दिक्कत आने की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये सबसे बड़ी बीमारी होती है, सबसे ज्यादा बीमारी इस चीज को नोटिस किया गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिन मेरे माता भाइयों ने कमेंट किए थे उनके कमेंट का रिप्लाई मैंने बहुत अच्छे से दिया है। आपने क्या करना है, आपकी कोई वीडियो पर कोई भी किसी भी रिलेटिव कमेंट रहता है मेरे को जरूर करो, मैं उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।